और दिल्ली के ओखला फेस टू इलाके में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 30 गाड़ियां पहुंच गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग ओखला फेस टू इलाके की संजय कॉलोनी में लगी थी। आग किस तरह से लगी इसके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिस दौरान वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया गया। आग लगने के दौरान 30 से 40 लोग बस्तियों के अंदर फंस गए, ये सूचना निकल कर सामने आई, जिसके बाद सभी को रेस्क्यू किया गया, जबकि कई अन्य लोगों को अभी भी बचाने का प्रयास उस इलाके में किया जा रहा है। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति लापता भी बताया जा रहा है, जिसकी खोजबीन लगातार की जा रही है। बीती रात की ये घटना है, 2 बजे के आसपास की ये घटना है, जब 180 से ज़्यादा झुग्गियाँ आग की चपेट में आ गई। कपड़ों का एक गोदाम भी वहाँ पर मौजूद था, जिस कारण लाखों का नुकसान उस क्षेत्र में हुआ है। फायर ब्रिगेड की पूरी लापरवाही, 1.5 घंटे आई रही है, फोन करने पे भी कोई नहीं आया। कम से कम करोड़ों रुपए का नुकसान, काफी सब जलकर राख हो। अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 झुग्गियाँ हैं, जिनमें लोग 400-500 लोग यहाँ रहते हैं, जिनमें हम लोग यहाँ पे कबाड़े का काम भी करते हैं और रहते भी हैं। रात में यहाँ 2 बजे आग लगी और आग लगने के 15 मिनट बाद हम लोगों ने जैसे मतलब लोग बागों को बचा पाए, जितनों को हम यहाँ में आग में से, उसके बाद 15 मिनट बाद हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन करा, लेकिन फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद आई थी हमारे यहाँ पे। जबकि फायर ब्रिगेडियर वालों को तो शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि 30 मिनट में हमारे इंडिया में पिज्जा आ जाता है, तो क्या वो 30 मिनट में फायर ब्रिगेडियर वाले नहीं आ सकते? इससे बढ़िया तो फायर ब्रिगेड को उठा कर पिज्जा वालों को दे दो, जब तुम लोग बागों की जान और माल नहीं बचा सकते।